जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, और इसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बातें करेंगे कि अगर हमारे एग्जाम में मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कोई क्वेश्चन आता है तो हम उससे कैसे डील करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे इजी वे के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन हमारे सामने है, फर्स्ट क्या है देखते हैं। प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हुज पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम हैव एम अपॉन ई मास अपॉन चार्ज रेशियो वैल्यू 86, 71, 58 एंड 53, 43 सॉरी। ठीक है, क्या क्या पीक्स हैं वो आपके सामने इसने क्वेश्चन में दे रखा है, यानी वो पूछ रहा होगा मास स्पेक्ट्रम में इसने कुछ पीक्स दे दी होंगी और क्या पूछ रहा है हमारे से, कंपाउंड जो है उसको प्रिडिक्ट करवा रहा है कि क्या कंपाउंड है। चलें सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सबसे पहला रूल क्या कि जो सबसे हाईएस्ट पीक दे रखी है, सबसे ज्यादा वाली है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या है, मॉलिक्यूलर आयन पीक। क्या है? मॉलिक्यूलर आयन पीक। और मॉलिक्यूलर जो आयन पीक है वो क्या है, 86 मास अपॉन चार्ज रेशियो में दे रखा है, और ये ही हमारा मॉलिक्यूल होगा यानी मॉलिक्यूलर मास होगा। तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 86। गॉट इट? ओके, आगे चलते हैं। ये हमारे पास आ गया, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, मास का जो हाईएस्ट पीक दे रखी है मॉलिक्यूलर आयन पीक है, यही हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा हमारी कंपाउंड का। चलें आगे, अब हम चलते हैं देखते हैं कि और क्या हमको ध्यान रखना है। तो यह ध्यान रखिए, सेकेंड पीक में पकड़ रहा हूं 58। अब देखिए ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए अगर आप मास स्पेक्ट्रा कर रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट तो ये मैंने ले लिया, सेकंड में क्या ले रहा हूं कि जो मेरे पास में पीक आ रही है 58 पे, ये कौन सी, मैक्लाफ्टी रिअरेंजमेंट की पीक है। ये क्या है, 58 मास अपॉन चार्ज रेशियो जो दे रखा है 58 इज मैक्लाफ्टी रिअरेंजमेंट ऑफ कीटोन। ये कीटोन का मैक्लाफ्टी अरेंजमेंट पीक है 58, आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है चले, पर आपको पता है कि मैक्लाफ्टी रिअरेंजमेंट कब होगा, जब क्या होगा, मेरे पास में अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो इट मींस मेरे पास में मैक्लाफ्टी रिअरेंजमेंट कीटोन होना चाहिए, यानी जो मेरा कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है कीटोन। चलिए अब मैं मॉलिकुलर मास मेरे को पता चल गया, मेरे को ये पता चल गया, तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि भैया स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ठीक है, 86 होना चाहिए हमारा जो वेट है कंपाउंड का, मास है वो कितना होना चाहिए, ये एक बार काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 हो गए हमारे कार्बन, यहाँ कैलकुलेट करते हैं 5 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 3, 3, 6 और 4, 10, 10 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन हो गया सिंगल, सिंगल ऑक्सीजन। तो मेरे को बताइए 12 × 5 क्या हो गया, 60, और 10 × 1 = 10, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 1 = 16, ऐड कर लीजिए 86 आ गया। मान लीजिए आपको पता ही नहीं चल पा रहा है क्या है, तो आपके माइंड में होना चाहिए भाई ये कीटोन है। कीटोन कब होगा, जब सीओ ग्रुप के इधर भी कार्बन होगा इधर भी कार्बन होगा, तो ये मैंने ले लिया। अब गामा हाइड्रोजन, मैंने बोला कि भैया गामा हाइड्रोजन होगा, क्यों, मैक्लाफ्टी रिअरेंजमेंट की 58 वाली पीक मैंने पकड़ ली है। अब मैक्लाफ्टी रिअरेंजमेंट गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, गामा हाइड्रोजन कब होगा, जब गामा कार्बन होगा। तो देखिए इसके पास वाला, ये सीओ ग्रुप के पास वाला अल्फा, इसके पास वाला बीटा, और इसके पास वाला गामा, तो गामा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन ही तो गामा सॉरी कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन ही तो गामा, क्या बोल रहा हूं मैं कि गामा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन ही तो गामा हाइड्रोजन होगा। गॉट इट? चलिए अब चलते हैं आगे, यहां से अब मैं देखता हूं कि मैक्लाफ्टी रिअरेंजमेंट होगा क्या। तो चलिए अभी हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया है कि हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, अब देखता हूं कि मैंने इसके बेस पे किया है कि ये
इसकी जब मैं मैक्लाफ्टी कराऊंगा इस कंपाउंड का, तो 58 मेरे पास बेस इसकी क्या आनी चाहिए, पीक आनी चाहिए। चलो करा के देख लेते हैं, मैं इसको अरेंज करके देखता हूं। देखिए एच सी एच टू, सी एच टू, 1 2 3 1 2 3, फिर ये कार्बन आ गया, इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारा सी एच टू। मेरे को बताइए अल्फा बीटा कौन सा है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा और दिस इज गामा। तो ये मेरे पास जो हाइड्रोजन हो गया वो क्या हो गया, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि मेरा हाइड्रोजन कौन सा हो गया, गामा हाइड्रोजन। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए ये हाइड्रोजन किधर चले जाना है, इधर, ठीक है, यहां चला जाएगा, ये पीक, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाना है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाना है। जैसे ही मैं ये कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच ओ सी डबल बॉन्ड सी एच टू एंड सी एच थ्री, ठीक है, ये लीजिए। ध्यान से देखिए, आप इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास देखिए कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है, थ्री कार्बन, यहाँ कैलकुलेट करते हैं, थ्री कार्बन, ओके, 1 2 3, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 3 6, 6 हाइड्रोजन, तो 3 × 12 36, ठीक है, एक ऑक्सीजन है 16 होता है, 1 हाइड्रोजन है 6 हो गया, कितना हो गया, ऊपर चलते हैं 58, टोटल कितना आ गया 58, आपके सामने पूरी कैलकुलेशन, ठीक है। यानी इसकी जो मास है वो कितना गया, एम अपॉन ई रेशियो कितना गया, वो आ गया 58। मैंने यही बोला था क्या ऊपर, कि 58 जो है मैक्लाफ्टी रिअरेंजमेंट पीक है कीटोन का, गामा हाइड्रोजन होगा, और ये स्ट्रक्चर क्यों आया वो मैंने बता दिया। कीटोन कब होगा, जब सीओ ग्रुप के इधर भी कार्बन होगा इधर भी कार्बन होगा, गामा हाइड्रोजन हो सकता है, होना चाहिए, और वो इसी कंडीशन में होगा और किसी कंडीशन में नहीं होगा। इसका जो मास है वो 86 है, 86 जो हमारा है मॉलिक्यूलर क्या है, मास है, ठीक है, कंपाउंड का क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब बात करते हैं कि बाकी की पीक का क्या, ठीक है, आपने ये पीक भी बता दी, ये पीक भी बता दी, बाकी की पीक भी तो बताओ। तो देखो क्या करते हैं, जो हमारा जो प्यारा सा कंपाउंड है, एक बार आप इसको ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, एक बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो मैं इसको बोल देता हूँ ए, ये बोल देता हूँ बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको ब्रेक करके देखता हूँ, देखिए क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने की, ठीक है। जब मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ये वाला, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर बच जाएगा पूरा। चलिए देखते हैं क्या है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ये लीजिए, यही है क्या, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया है, ये तो सी एच थ्री अलग हो गया प्लस सी एच थ्री, ये लो, ठीक है। सी एच थ्री की कोई पीक हमें दी नहीं है, तो हमें सिर्फ इस पे बात करेंगे, इसका मॉलिकुलर मास निकालिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। अब और ऑक्सीजन का एक हो गया 16, हाइड्रोजन कितने, 6 5 6 7, ऐड करो इसको एक बार, तो कितना आ गया हमारे पास में, 71 आ गया क्या, यस। सारी कैलकुलेशन आपके सामने, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कार्बन कितने थे वो रखा, ऑक्सीजन का रखा मास, और हाइड्रोजन का मास रखा, 71 आ गया ऐड करने पे। ये कैलकुलेशन है, यहाँ पर केमिस्ट्री खत्म हो जाती भैया, ठीक है, वो मैंने बता दिया। तो इसका जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराऊंगा तो ये जो मिलेगा उसकी पीक हो जाएगी 71, और अगर इधर वाला बॉन्ड ब्रेक कराऊंगा, ध्यान से देखिए, इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करा दिया तो क्या मिल जाएगा, 71 ये मिलेगा क्या, और ये वाला पूरा अलग हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए आप, देखिए एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, कितने हो गए, 24 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन भी तो है 3,
बताइए इसका टोटल कितना आ रहा है। देखिए 6 और 3 9, 9 और 4 13, ठीक है 2 1 3 और 4 43। आ गया क्या? बिल्कुल। देखिए ये मैंने आपको सॉल्व कराया है, एक एक चीज बताई। स्टार्टिंग में क्या करना है, जो सबसे बड़ी पीक दे रखी है वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर आयन पीक, यही हमारा क्या होगा, मास होगा इसका कंपाउंड का। गॉट इट? फिर मैंने क्या बताया कि 58 हमेशा ध्यान रख लीजिए, कीटोन की क्या होती है, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट मास अपॉन चार्ज वैल्यू दे रखी है, वो मैंने आपको बता दिया, और कंपाउंड कैसे प्रिडिक्ट किया वो मैंने बता दिया। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया ये हमारा आंसर है कि भैया कंपाउंड होगा हमारा जी। चलिए क्या, तो अब आपको क्या करना है, इसका आईपीसी नेम बताना है, फर्स्ट का आंसर क्या आया है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। और सुनिए, ये तो मैंने बताया रफली, अब इसको मैं यहाँ पे एक पिक भी दे दूंगा, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले सकते हैं, तो इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए ये बोल रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिकुलर मास। अब इसने क्या दे रखा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी दे रखा है और मॉलिकुलर मास भी दे रखा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया। तो देखिए जब भी क्वेश्चन करें, मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है कि C7H12 ये मॉलिकुलर फॉर्मूला दे दिया इसने, इजी हो गया हमारे लिए काम। और बोल रहा है M+P यानी पेरेंटल आयन पीक दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 96। तो मैंने बोल रखा है एम प्लस जो पीक है वही इसका क्या होता है, मॉलिकुलर मास होता है, वो 96 है, ये हमें यहाँ से ले लिया, ठीक है। शोज ए लार्ज पीक्स एट M/E रेशियो 54, एक दे रखा है 54 एंड ड्यू टू M15 कितना दे रखा है, M15 यानी मिथाइल के कारण 15 एक है, ठीक है। व्हाट स्ट्रक्चर कैन बी असाइन टू द कंपाउंड, हमें तो स्ट्रक्चर पता करना है, पहले पता है। तो तीन पीक हमारे सामने आई, तो सबसे पहले तीन पीक जो है वो 91, 54 एंड 15। चलिए स्टार्ट करते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला हमारे सामने है, तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ C7H12। अब यहां से हिंट मिली है दूसरी, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो हम एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन बनाते हैं जिसमें 7 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, इसकी जो वैलेंसी कार्बन की सिर्फ हाइड्रोजन से ही फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से। चलिए देखिए ये क्या आ गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन हो गए, C7। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, देखिए क्या है, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, H कितना हो गया, 16। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर कितने आ गए 16, तो बहुत ज्यादा गैप हो गया। तो हम इस अब क्या करते हैं, एक चीज और ध्यान रखें, M15 का मतलब है एक मिथाइल ग्रुप और है, ठीक है, तो इसमें तो दो मिथाइल ग्रुप थे लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंस ही हाइड्रोजन के बीच में बहुत ज्यादा आ गया, तो हम साइक्लिक बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं साइक्लिक बनाऊंगा और एक मिथाइल ग्रुप रखूंगा तो मेरे पास 6 मेंबर रिंग बनानी पड़ेगी मेरे को, क्यों, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, क्या बोल रहा है वो कि भैया हाइड्रोकार्बन तो है लेकिन M15 भी है हमारा, तो यानी एक CH3 ग्रुप होना चाहिए, तो हमने क्या करा, साइक्लोहेक्सेन लगा के एक CH3 ग्रुप लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि ये जो कंपाउंड है इसमें कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन है, चलिए काउंट करते हैं, कार्बन कितने हो गए हमारे 7 और हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्लस 3, बिल्कुल 14। तो ये मॉलिकुलर फॉर्मूला आ गया इसका। अब अभी भी प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर तो हमें दे रखा है 12, यहाँ पे हमारा आ रहा है 14, यानी इसका मतलब है एक डबल बॉन्ड आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, अब हमारी केमिस्ट्री काम आएगी, ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो साइक्लोहेक्सेन है, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये साइक्लोहेक्सेन, इसमें मैं क्या करूंगा, एक डबल बॉन्ड लगाऊंगा, कहाँ लगाऊंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ लगाया, ये लगाने से देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका ये आयन रेडिकल बना लेता हूँ और ये बनाने के बाद में अगर मैं इसकी रिट्रोडील सेल्डर रिएक्शन करा देता हूं कुछ ऐसे,
ठीक है, तो देखिए मेरे को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये मिल दिख गया क्या? और ये हमारा क्या है, इसकी ये जो है इसकी आप मास देखिए कितना है, मास कैलकुलेट कीजिए। मास कैलकुलेट करूंगा तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए कितना हो गया, 48, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 52, ये आ गया, 54 आ रहा है यहाँ से, कितना आ गया, हाँ 54 ही तो आएगा, हमने ऐड गलत कर दिया, ये लीजिए हो गया। तो हमारे पास में ये जो आया इसकी पी की कितनी आई है कि बिल्कुल 54 पे, यानी रिट्रोडील सेलुलर रिएक्शन हो जाएगी अगर मैं ये डबल बॉन्ड, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड लगाने से दो हाइड्रोजन का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया है, अब इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला यही है C7H12, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ लगाया, ये थोड़ी आपने केमिस्ट्री आनी चाहिए, थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे ये सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब सुनिए M15 का क्या मतलब है, जब भी M15 आएगा, अब देखिए छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं आपको पता होना चाहिए। M15 का क्या मतलब है, M15 का मतलब है कि मिथाइल का 15, मिथाइल जो होता है ये रहा मिथाइल ग्रुप, इसका एम अपॉन ई रेशियो कितना आएगा, बिल्कुल यार कार्बन का कितना है, 12 12 प्लस 3 के 2 15, तो M15 हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो सारी चीजें हमारी इसमें क्लियर हो चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इंतजार कर रहे हैं, बड़ी बेसब्री से देखिए क्या बोल रहा है। प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एग्जिबिट एम अपॉन ई रेशियो पीक्स एट 1543, 57, 91, 105, 148, बहुत सारी पीक्स दे दी और हम ऐसे क्वेश्चन को हम स्किप कर जाते हैं जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, चाहे क्वेश्चंस कम है लेकिन इन ट्रिक्स को आपने पकड़ लिया तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजीली। ठीक है स्टार्ट करते हैं, सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, ये रहा, इसको पकड़ लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं इसको बार बार, हाईएस्ट पीक को मॉलिकुलर आयन पीक क्या है, मॉलिकुलर आयन पीक कितनी आई है हमारी, एम अपॉन ई रेशियो किस पे आया है, वो आया है 148, और यही हमारा क्या है, बिल्कुल मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। हमारा जो कंपाउंड है उसका मॉलिकुलर मास कितना है, 148, ये लीजिए हमने सबसे पहले यहां से क्वेश्चन में लिया। अभी इतनी सारी पीक है तो अब हम डर जाते हैं, डरेंगे थोड़ी, अभी मैंने बताया कि 15 किसके लिए है, मिथाइल के लिए, CH3 के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये जो 43 है, ये पीक 43 ये किसके लिए रहेगी वो भी देख लेते हैं। तो आइए 43 जो पीक रहेगी वो हमारी किसके लिए रहेगी, आइए देखते हैं। 43 पीक एम अपॉन ई रेशियो जो है 43 वो किसके लिए रहेगा, वो रहेगा CH3CO के लिए। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि सही है क्या, कितने कार्बन है, 2 12 × 2 24, फिर ऑक्सीजन 1, वन ऑक्सीजन के लिए 16 16, हाइड्रोजन 3, 3 हाइड्रोजन इंटू 1 कितना हो गया, कैलकुलेट कीजिए ऐड कीजिए इसको, कितना हो गया 10 13 43 आ गया क्या, 43 टोटल। देखिए भैया मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ऐड करना आना चाहिए आपको, हाँ अब केमिस्ट्री खत्म है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा ये जो पीक आई है हमारी वो किसके लिए आई है, इसके लिए, यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, और कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ CH3CO पीक, ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे खुद से आ जाएगी। चलें आगे, तो हमें दो चीज पकड़ ली, 1 और पकड़ लिए 2, आगे चलते हैं। अभी बोल रहा है कि भैया हमारे सामने ये जो पीक आ रही है 91, इसका क्या करना है, इसका देख लेते हैं भैया। ध्यान रखें थर्ड पीक मैं पकड़ रहा हूँ, पीक जो ले रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ एम अपॉन ई, और ये ले रहा हूँ 5, सॉरी 91,
ध्यान रखेंगे 91 जो है बेंजाइलिक के लिए आता है, बेंजाइलिक के लिए। और बेंजाइलिक क्या है? C6H5CH2, इसके लिए आएगा ये पी, किसके लिए? C6H5CS2+ रेडिकल। अब आपको नहीं आ रहा है कि यार ये ऐसे हो रहा है, गलत भी हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए कितने कार्बन है भैया? 6। देखिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 6 × 12 कितना हो गया, बाद में देखेंगे। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का जीरो है, कोई ऑक्सीजन ही का है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं कैलकुलेट कीजिए, 5 और 2 कितने हो गए, अरे कार्बन हमारे 7 है भाई, 7। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 7 ही हाइड्रोजन, 1 × 2 कर देंगे भाई, देखो 6 1 7 कार्बन, 12 × 2 कर देंगे, 5 + 2 7, 1 × 2 कर देंगे कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ठीक है। चलिए 84 हो गया, 12 × 7, 7 × 1 7, ऐड कीजिए, इसका एडिशन क्या आएगा जल्दी बताओ भाई, 191, कितना आ गया, 91। तो बेंजाइलिक जो कंडीशन है, जो बेंजाइलिक रहेगा, उसके लिए हमारे पास में जो रहेगा वो कितना रहेगा, बिल्कुल भैया वो मैंने आपको बता दिया है, बेंजाइलिक पे क्या आना है, बेंजाइल ग्रुप जो है, बेंजाइलिक बोल लीजिए, बेंजाइल बोल लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। अब अगर मैं इसमें CH2 और ऐड कर देता हूं, फोर्थ पीक की बात कर रहा हूं मैं, और वो है M/E 105, किसके लिए? C6H5, बड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, CH2, ये लीजिए। अब सुनिए मैंने इसमें क्या ऐड किया, CH2, देखिए CH2 की पीक देखिए, जल्दी से देखो CH2, कार्बन क्या है, 1, तो 12 + 2 कितना हो गया, 14 CH2 के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 91 में इसका 91 था, 91 में मैं कितना ऐड कर दूंगा, 14, कितना हो गया, 105 हो गया क्या, ओके कूल। चलिए अब हम क्या हो गया, हमारा 91 भी हो गया, हमारा 105 भी हो गया, हमारा 15 लिख लेते हैं जल्दी से, 15 किसके लिए आ गया, हमारा पीक M/E रेशो 15 किसके लिए है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये हमारे मिथाइल के लिए, ठीक है, CH3 के लिए। बहुत सारी चीजें हमें पता चल गई है, अब प्रिडिक्ट करना है हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये आंसर क्या है, आंसर तो बता दो जल्दी से, चलो देखते हैं आंसर, देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि ये फ्रेगमेंट होना चाहिए, तो ये लिख लेते हैं C6H5CH2CH2। फिर क्या बोल रहा है, ये वाला ग्रुप होना चाहिए, और ये वाला ग्रुप होने के लिए और एक मिथाइल ग्रुप भी होना चाहिए, तो भैया COCH3, क्या ये है क्या, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो क्या ये हो सकता है क्या, क्योंकि हमने देखो ये यहां तक का फ्रेगमेंट, रेड पेन कहां गया, ये वाला पोर्शन वो ये रहा, ठीक है, इसके लिए पीक बोल दी 105। मिथाइल के लिए हमने कितनी बोल रखी है, 15, ठीक है, 43 इस वाले ग्रुप के लिए, यानी ये जो ग्रुप दे रखा है हमारा, इस पूरे के लिए कितनी बोल रखी है हमने, ये रहा 43, ओके। तो ये हमारी आ गई क्या, कि हमने ये स्ट्रक्चर क्या कर लिया है, प्रेडिक्ट कर लिया है, जो गिवन हमको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने, अब जरूरी नहीं कि सारी आपको जो पीक्स दे रखी है सारी आप उसमें यूज करें, मोस्टली हमने यूज कर ली है, ये हमने इसके लिए कर ली है, ये हमें ध्यान रखना है CH3CO के लिए होता है, और 91 मैंने आपको बता रखा है कि बेंजाइल ग्रुप जो है उसके लिए होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मॉलिकुलर मास। अब इसका मॉलिकुलर मास आप निकाल लीजिए, ये आपका, हाँ ये आपको क्रॉस चेक करना है कि इसका मॉलिकुलर वेट जो है, जो मास जो है वो 148 आ रहा है क्या, कितना आना चाहिए, 148। अगर 148 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आंसर हमारा गलत है, अदरवाइज आ गया है तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, बहुत मजा आ रहा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या है,
हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द आइसोमेरिक अल्कोहल्स विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला दिस बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो हमें क्या करना है, जो आइसोमर्स है अल्कोहल के, ठीक है, इस मॉलिकुलर फॉर्मूला के, उनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रा, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इन पे चलते हैं। फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, 1 डिग्री अल्कोहल, चलें बनाते हैं। कैसे बनेगा, 4 कार्बन लेते हैं, ले लिए 4 कार्बन और इनकी बैलेंस इनके से फुलफिल कर लेते हैं हाइड्रोजन से, ये लीजिए और ये OH हमने बना लिया, हो गया क्या। तो सबसे पहले 4 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 3, 3, 6 और 4, 10, ओके गॉट इट। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मेरी इच्छा हो रही है कि एक बार मैं इसको ऐसे लिख लूँ, और फिर ये CH2, ये CH2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, CH2, ऑक्सीजन H पॉजिटिव और ये रेडिकल, ये लीजिए आप इसको ऐसे ले लीजिए। मैं यहां से H2 निकालने वाला हूं, क्या निकालने वाला हूं, H2 कैसे निकलेगा देखिए, अगर रेड पेन से बनाते हैं कि ये इधर चला जाए एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा देखते हैं। ऐसा जब मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहां पर एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा और बाकी का एज इट इज जैसा है वैसा, और OH2 और पॉजिटिव, देखिए एक रेडिकल इधर से इधर आ गया तो ये वाला रेडिकल खत्म होकर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया, यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो गया, अब ये OH2 बन गया, यहां से हम H2 क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे कि भैया ये लीजिए, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये होगा तो ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, ये बन गया CH2 रेडिकल, ये CH2, ये CH2 और ये CH2 रेडिकल, और H2 हमारा यहाँ से रिमूव हो गया। तो अब ये रेडिकल हमारे सामने आ गया, इसका मॉलिकुलर वेट आपको कैलकुलेट करना है, मेरा काम यहाँ पे खत्म। सेकंड देखते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल कैसे देखेंगे, ऑब्वियसली बात है ये लीजिए, हो गया क्या, मेरे को बताइए क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है क्या मेरा, बिल्कुल है 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, इसके पास वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, कैसे, जे वाला। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कैसे टूटेगा देखिए, CH3 CH2 रेडिकल, और ये जो पूरा है वो कैसे हो जाएगा, OH डबल बॉन्ड CH CH3 पॉजिटिव, ये हो गया। अब इसका आप क्या ले लीजिए, इस पूरे का बिल्कुल मास कैलकुलेट कर लीजिए, ये हमने कर लिया, एक और यहां पर फ्रैगमेंट बना लिया। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्या रहेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, हाँ भाई 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाऊंगा इस मॉलिकुलर फॉर्मूला में, क्या मैं ये बना सकता हूँ क्या, देखिए आइसोमर आपको बनाने आने चाहिए तो मैं ज्यादा इस पर डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। 1, 2, 4 हो तो गए और ये OH, मॉलिकुलर फॉर्मूला कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, देखते हैं 1, 2, 3, 4, ओके ऑक्सीजन 1 हो गया, 3, 3, 6, 9 और 10, ठीक है यहाँ पे 10, ओके अब यहाँ पर क्या होगा, यहां पर ये मेरे पास में ठीक है रेडिकल जो आयन है इसका मैं क्या करना हूं भैया, ये जो है मैं क्या करूंगा, यहां से कोई भी एक मिथाइल ग्रुप जो है वो चला जाना है, कैसे चला जाएगा, ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाना है, तो देखिए CH3 CH3 डबल बॉन्ड OH रेडिकल हो गया हमारा यहां पर, और प्लस CH3 रेडिकल। तो आप जो है इसका इसका और इसका M upon चार्ज रेशो जो आएगा हमारा
इनका हम इनके बेस पे क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे कि 1 डिग्री 2 का ये आएगा, 2 डिग्री का ये आएगा और 3 डिग्री का ये आएगा। तो हम इसके बेस पे, तो हम जल्दी से लिख लेते हैं, कैलकुलेट करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आएगा 56, ठीक है। और आगे चल रहे हैं, आगे हमारा क्या आएगा, ये पॉजिटिव आया, इसका हमारा है 45, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और इसका है 59, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है, तो हम इस पे, ये हमारा क्या आ गया है, एम अपॉन ई रेशो आ गया, एम अपॉन ई रेशो। तो देखिए 56, 45 एंड 59, तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो हमारा पीक जो है वो किस पे आ जाएगा, इस पे आएगा मास के अंदर, और 2 डिग्री पे ये रहेगा और 3 डिग्री पे ये वैल्यूज रहेंगी हमारी, ठीक है। होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, डन, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको आज जो भी प्रॉब्लम कराई उनमें मैंने जो बोला है कि ये पीक्स आपको ध्यान रखनी है, वो आपको ध्यान ही रखनी है, उससे आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मुझे कमेंट आते हैं मास स्पेक्ट्रम के अंदर जो मैंने सीरीज बना रखी है कि सर हमको अगर कोई फ्रैगमेंट, हमें कोई मॉलिक्यूल दे देगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि पीक किसके, तो मैंने आज इसीलिए वीडियो बनाया है कि आप उसको अच्छे से देखें और समझें कि क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।